everyone, welcome to Inspire IAS. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part 3rd of our Art and Culture Current Affairs series from May 2019 to November 2019. If you want the PDFs of the lecture, then you can join our Telegram channel. Link is in description box. आज का जो हमारा पार्ट है ये हमारा लास्ट पार्ट है सीरीज का आर्ट एंड कल्चर सीरीज का क्योंकि आर्ट एंड कल्चर सीरीज में करंट अफेयर्स में कुछ ज्यादा नहीं होता है कवर करवाने के लिए टॉपिक्स हैं काफी लेकिन छोटे छोटे हैं समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है तो एक ही वीडियो में आज सब कुछ कवर हो जाएगा तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल जिनका ओरिजिन होता है तो उनको एक ज्योग्राफिकल टैग दिया जाता है उस प्रोडक्ट को ताकि उसके यूज को जो है फिर ज्यादा प्रमोट किया जा सके और जो उसको उस प्रोडक्ट को बनाते हैं या फिर कोई क्रॉप है उसको ग्रो करते हैं कुछ भी है तो उनके जो ग्रोअर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं उनको एडवांटेज हो सके और लोग जो है कंज्यूमर्स जो है जो उसको खरीदेंगे उनको अश्योर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज एन इंडिकेशन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पजेस क्वालिटीज और अ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन such a name conveys an assurance of quality and distinctiveness which is essentially attributable to its origin in that defined geographical locality once the geographical indication protection is granted no other producer can misuse the name to market similar products ab jis product ko geographical indication tag de diya gaya hai usi product ko us naam pe becha jayega उसके कुछ रेप्लिकाज या कॉपीज को उसके नाम पे नहीं बेचा जाएगा उसके बाद जब उस प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है तो कुछ प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है उसमें सबसे पहले है टॉल हुल पुआन तो ये क्या है ये इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है मिजोरम से है और एक दूसरा है मिजो पुंचे तो ये दोनों ही मिजोरम से हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है तो ये जो है टॉल पुआन जो है ये एक मीडियम टू हैवी कॉम्पैक्टली वूवन गुड क्वालिटी फैब्रिक है तो ये एक फैब्रिक है कहाँ से है फ्रॉम मिजोरम इज नोन फॉर वॉर्प यार्न्स वॉर्पिंग वीविंग एंड इंट्रिकेट डिजाइन दैट आर मेड बाय हैंड सो इन मिजो लैंग्वेज इट मीन्स टू स्टैंड फर्म और नॉट टू मूव बैकवर्ड तो इसको जो टैग मिला है ये क्या है एक फैब्रिक है उसके बाद है मिजो पुंचे तो ये एक कलरफुल मिजो शॉल है फ्रॉम मिजोरम इट इज एन इम्पॉर्टेंट मैरिज आउटफिट इन द स्टेट इट इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज कॉस्ट्यूम इन मिजो फेस्टिव डांसेस एंड ऑफिशियल सेरेमनीज द वीवर्स इंसर्ट द डिजाइंस एंड मोटिव्स बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री यॉर्न्स व्हाइल वीविंग टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल एंड एल्यूरिंग टेक्सटाइल जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप का ये फैब्रिक होता है और इस टाइप के ये शॉल्स होते हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कोल्हापुरी चप्पल गेट्स जीआई टैग तो कोल्हापुरी चप्पल को ये वाली ऐसी चप्पल जो कोल्हापुरी चप्पल है इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है और ये दो स्टेट्स को ज्वाइंटली मिला है कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों को मिला है दिस इज परसेप्शन दैट दीज आर्टिजन्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र अलोन बट अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर फ्रॉम कर्नाटका and have been making these chappals for centuries so these leather chappals and handcrafted and tanned using vegetable dyes the art of making them is passed down one generation to another the tag is valid for a period of 10 years following which it can be renewed so jitne bhi geographical indication tag hote hain usko pehle 10 years ke liye grant kiya jata hai uske baad usko renew kiya jata hai so kolhapuri chappal ka jo tag kolhapuri chappals ko jo geographical indication tag mila hai ye do states ko jointly mila hai karnataka aur maharashtra ko उसके बाद है पंचमीर्थम और पालनी ऑफ पालनी टेम्पल तो पंचमीर्थम ऑफ पालनी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है द फेमस पालनी पंचमीर्थम ये है क्या ये एक टाइप का प्रसाद है जैसे कि जो टेम्पल्स में जो दिया जाता है तो ये एक टाइप का प्रसाद है जिसको दिया जाता है एट ए मुरुगम टेम्पल देयर एंड हैज बीन ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 नेचुरल सब्सटेंसेस तो ये इस प्रसाद को जो बनाया जाता है तो 5 नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है जैसे कि बनाना जिगरी शुगर काउ घी हनी एंड कार्डमम इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन दिस इज द फर्स्ट टाइम अ टेम्पल प्रसादम फ्रॉम तमिलनाडु हैज बीन बेस्टोर्ड विद द जीआई टैग
तो अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु के किसी प्रसाद को मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रसाद को पहली बार टैग मिला है, इंडिया में पहले भी प्रसाद को कई जगह पे टैग मिला है, लेकिन यहाँ पे जैसे वर्ड्स होते हैं ना, इनको आप केयरफुली पढ़ा करो क्योंकि इन्हीं में से फिर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस इज द फर्स्ट टाइम अ टेम्पल प्रसाद फ्रॉम तमिलनाडु हैज बीन बेस्टोर्ड विद द GI टैग। तो ये तमिलनाडु का पहला है, इंडिया का पहला नहीं है। उसके बाद है तिरूर बीटल लीफ फ्रॉम केरला। सो तिरूर बीटल लीफ जो है केरला के उनको भी मिला है। सो तिरूर बीटल वाइन इज मेनली कल्टिवेटेड इन तिरूर तानूर तिरुरंगदी। उसके बाद है कुटीपुरम मलापुरम एंड वेंगारा ब्लॉक पंचायत ऑफ द मलापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला एंड इज वैल्यूड बोथ फॉर इट्स माइल्ड स्टिमुलेंट एक्शन एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। It is unique for its significantly high content of total chlorophyll and protein in the fresh leaves. उसके बाद नेक्स्ट जो मिला है वो है डिंडीगुल लॉक एंड कंदंगी साड़ी फ्रॉम तमिलनाडु। दोनों ही तमिलनाडु से हैं जिनको मिला है। डिंडीगुल लॉक्स जो हैं आर नोन फॉर देयर सुपीरियर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। और ये लॉक किसके बनते हैं? आयरन और ग्रास के बने होते हैं एंड इंटायरली हैंडमेड होते हैं। It is unique as each lock is designed with a different lever pattern. The Dindigul city is also called the lock city. जो कि Dindigul city जो तमिलनाडु में है उसको lock city भी कहते हैं। Despite unique features, the lock industry for the last few years has been gradually dying due to stiff competition from the lock industries in the Aligarh and Rajapalayam. तो अभी क्या है, काफी time से ये industry जो Dindigul की थी, लॉक इंडस्ट्री थी, काफी टाइम से जो है कंपटीशन फेस कर रही थी, लेकिन अभी इसको जो ज्योग्राफिकल टैग दे दिया है तो इससे इसको काफी एडवांटेज होगा। उसके बाद है कंदंगी साड़ी। तो कंदंगी साड़ीज आर हैंड वूवन कॉटन साड़ीज हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड इन कराईकुडी तालुक इन द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। दे आर मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन फ्रॉम कॉइम्बटोर। सो तमिलनाडु में जो कॉइम्बटोर है वहां की जो हाई क्वालिटी कॉटन होती है उससे ये साड़ी बनती है। कंदंगी कॉटन साड़ीज आर मेड बाय वीवर्स ऑफ द देवंगा चेतियार्स फॉर वुमेन ऑफ चेतियार कम्युनिटी ऑल्सो रेफर्ड एज द नकराथ्रस और नाटुकुटाई चेतियार्स। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज साड़ीज आर इट्स ब्राइट कलर्स दैट होल्ड स्ट्रॉन्ग। They are also characterized by large contrast borders covering as far as 2/3 of the sari. तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कुछ ट्राइब्स ट्राइबल पीपल जो ट्राइबल कम्युनिटीज न्यूज में थे वो सबसे पहले लिम्बू एंड तमांग कम्युनिटीज। लिम्बू और तमांग कम्युनिटीज क्या है? नोटिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सिक्किम इन जनवरी 2003। सो जनवरी 2003 में सिक्किम में इनको नोटिफाई किया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब लिम्बू एंड तमांग दोनों कम्युनिटीज को। अभी ये न्यूज में इसलिए दिख रहे थे क्योंकि क्या हुआ है कि अ प्रपोजल फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लिम्बू एंड तमांग कम्युनिटीज इन सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली इज अंडर कंसीडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि लिम्बू और तमांग कम्युनिटी ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, सिक्किम के शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। उसके बाद है अबुझ मारियाज क्या है? छत्तीसगढ़ ये अभी न्यूज में क्यों है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज प्रोसेसिंग हैबिटेट राइट्स फॉर अबुझ मारियाज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो अबुझ मारियाज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उसके बाद खरनाक्स जो है ये भी ट्राइबल जो ट्राइबल पीपल है ये भी ट्राइब है एक। तो ये कहाँ से है? ये जम्मू कश्मीर से है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ पर्सनैलिटीज जो न्यूज में रही उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पर्सनैलिटीज अगर कोई न्यूज में रहती है न्यूज अलग रहती है, वो किसी भी वजह से न्यूज में हो सकते हैं, लेकिन जो भी पर्सनैलिटीज न्यूज में है थोड़े बहुत कल्चर से रिलेटेड स्पेशली, तो उनको जो है आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाता है। जो भी पूछा जाएगा उनके उनका थोड़ा एक हो सकता है किसी पर्सनैलिटी का कोई काम जो उन्होंने कुछ बुक वगैरह लिखी है या कुछ भी किया है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एज पार्ट ऑफ सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशन ऑफ द डॉक्टर विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इसरो हैज अनाउंस्ड इट्स विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई
थे, उन जो के फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम थे, तो उनकी जो है 100 इयर्स कंप्लीट सेंटेनरी जो उनकी ईयर सेलिब्रेशन हुई, तो वहां पे इसरो ने जो है अनाउंस किया है कि अभी उन्होंने अनाउंस किया है विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च Award recognizes and award recognizes and awards journalists who have actively contributed towards the field of space science applications and research. तो ये एक जर्नलिज्म अवार्ड है, तो जर्नलिस्ट को दिया जाएगा जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगी टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एप्लीकेशंस एंड रिसर्च. तो विक्रम साराभाई के बारे में अगर पढ़ें तो विक्रम साराभाई सेट अप इंडियन फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट इन थुम्बा अ स्मॉल विलेज नियर द त्रिवंत्रमपुरम एयरपोर्ट इन केरला. तो केरला के एक थुम्बा विलेज में उन्होंने इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च जो है वो लॉन्च साइट है जो वो सेटअप की थी. उसके बाद है विक्रम साराभाई वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग केबल टेलीविजन टू इंडिया. हिज कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद नासा पेव द वे फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट इन 1975. उसके बाद है साराभाई वॉज द मास्टर माइंड बिहाइंड बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा. He was one of the founding members of the Indian Institute of Management, Ahmedabad. तो ये इनकी कुछ contributions हैं जिनके बारे में आप पढ़ लेना, उनमें से question बन सकता है. उसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ये क्यों न्यूज में थे, इसलिए न्यूज में थे रिसेंटली द स्टैचू ऑफ द ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज वैंडलाइज्ड ड्यूरिंग द वायलेंट क्लैशेज दैट ब्रोक आउट इन कोलकाता. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे. उन्होंने बहुत कुछ किया है सोशल रिफॉर्म्स में, उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. He received the title of Vidyasagar Ocean of Knowledge for his outstanding academic performance, was a legendary educationist, a Sanskrit scholar and a social reformer who questioned oppressive social traditions of the Hindu society. He was invited by the Fort William College to teach Bengali to European recruits and later he went on to become the head of the Sanskrit department In 1846, he joined the Sanskrit college. He came to the conclusion that merging of Eastern and Western culture would remove superstition and prejudice. तो उन्होंने realize किया कि जो अगर Eastern और Western culture को merge कर दिया जाए तो society में जो superstitions हैं, prejudices हैं, उसको remove किया जा सकता है. उसके बाद है गुरु नानक देव जी. तो गुरु नानक देव जी इसलिए न्यूज में थे क्योंकि रिसेंटली 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक वॉज सेलिब्रेटेड. गुरु नानक देव जी के बारे में अगर पढ़े तो गुरु नानक इज द फाउंडर एंड फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म. ही वॉज बोर्न इन 1469 एट तलवंडी राय भोए नियर लाहौर. It is said that in 1499 he got enlightenment and heard God's call to dedicate himself completely to the service of the humanity. He undertook preaching tours udasis to spread his message. He undertook five such udasis from 1500 to 1524 AD in which he not only covered most parts of the India but also traveled to places like Makkah, Sri Lanka, Nepal, etc. In the later years of his life, Guru Nanak settled down at the township of the Kartarpur, creator's town, on the bank of the river Ravi in Punjab. अभी जो न्यूज में चल रहा था करतारपुर कॉरिडोर, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. सो द रिसेंटली इनॉग्रेटेड करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट्स द डेरा बाबा नानक साहिब गुरुद्वारा इन इंडिया स्टेट ऑफ पंजाब टू द गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर श्राइन in Narowal district of the Pakistan's Punjab province. So it runs across over the Ravi river. The Gurudwara Darbar Sahib was ordered by Maharaja of Patiala between 1921 to 1929. Guru Nanak Dev died at the age of 70. उसके बाद जो है इनके बारे में हम यहाँ पे कुछ समझने लायक नहीं है ना, इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रही हूँ ताकि आप जो है एक बार सुन लो. यहाँ पे कुछ खास समझने लायक है नहीं, बाकी जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा आज या फिर कल मैं अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां से पीडीएफ को जो है डाउनलोड करके वहां से इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पर्सनैलिटीज में वैसे भी कुछ समझाने लायक होता नहीं है. उनका जो काम होता है बस आपने वो पढ़ना होता है, याद करना होता है. उसके बाद है टिपू सुल्तान. इसलिए न्यूज में थे कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड
to remove Tipu Sultan's history lessons from textbooks in the state, and also public celebrations of Tipu Sultan Jayanti will not be held. So, isliye ye news mein the. Tipu Sultan became the ruler of the kingdom of Mysore after the death of his father Hyder Ali in 1782 during the second Anglo-Mysore war. Tipu Sultan is seen as the fearless tiger of Mysore and a brilliant military strategist who in a short reign of 17 years mounted the most serious challenge that the East India Company faced in India. उसके बाद नेक्स्ट पर्सनालिटी है मोहम्मद इकबाल. मोहम्मद इकबाल भी न्यूज में थे. अ हेडमास्टर ऑफ अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इन उत्तर प्रदेश वाज रिसेंटली सस्पेंडेड आफ्टर हिज स्टूडेंट रिसाइटेड अ पोएम रिटन बाय मोहम्मद इकबाल. तो मोहम्मद इकबाल की एक पोएम को बच्चे ने गाया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है हेडमास्टर ने यूपी के एक स्कूल में जो है उसको मतलब उसने कहा कि नहीं गाना चाहिए था. इसके बाद जो है उस काफी कंट्रोवर्सी हुई तो उस हेडमास्टर को जो है सस्पेंड कर दिया गया था. उसके बाद जो है तो जो न्यूज में चलता है पर्सनालिटीज के बारे में उसमें उसका प्रीलिम्स से ऐसे डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि न्यूज से अगर कोई जैसे कि मोहम्मद इकबाल के बारे में कोई न्यूज है तो उस डायरेक्ट उस न्यूज से क्वेश्चन नहीं बनेगा. उनके बारे में उनकी जो पर्सनैलिटी ओवरऑल रही है उनके ऊपर जो है फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है. जैसे कि इनके बारे में पढ़ लेते हैं. सर मोहम्मद इकबाल इज ऑल्सो नोन एज अलामा इकबाल एंड हैज रिटन सारे जहां से अच्छा नोन ऑल्टरनेटिवली एज तराना हिंद. ही वॉज बोर्न ऑन नवंबर 9th 1877 इन सियालकोट पंजाब नाउ इन पाकिस्तान इनटू अ फैमिली विद कश्मीरी ब्राह्मण एंसेस्ट्री. इकबाल वॉज अ पोइट फिलोसफर हुज वर्क प्रमोटेड द फिलोसफी ऑफ सेल्फहुड and dealt with the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. He wrote mostly in Urdu and Persian. तो उनकी languages थी, जितना भी उन्होंने काम किया था वो ज्यादा ज्यादा उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है. Iqbal's first published collection of poems came out in 1923 and is titled Bangai Dara, Call of Marching Bell. Some of his other works include Zabar-e-Azam, उसके बाद है बाले जिरबल, गैब्रियल विंग्स, मुसाफिर, उसके बाद है मिस्टीरियस मिस्ट्रीज ऑफ द सेल्फलेसनेस, सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ, असरारे खुदी एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम. इकबाल इज कंसीडर्ड टू हैव गिवन द विजन ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड टू नेशन थ्योरी एंड इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल फादर ऑफ द पाकिस्तान. तो जो टू नेशन थ्योरी थी ना वो सबसे पहले इन्होंने ही दी थी. उसके बाद क्या था, whereas Jinnah is considered to be the one who shaped this vision. तो इसको practical form में Jinnah लेके आए थे, लेकिन उसको जो है सबसे पहले बात जो two nation theory की जो theory थी जो वो मोहम्मद इकबाल ने दी थी. उसके बाद Indian National Trust for Arts and Culture Heritage. तो ये वाली जो organisation है ये एक non-profit charitable organisation है जो काफी news में रहती है, क्योंकि कल्चर रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड ये काफी उनको कंजर्व करने से रिलेटेड काफी काम करती है. तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो इंटैक जो है इट इज अ नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. टुडे इंटैक इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन विद ओवर 190 चैप्टर्स अक्रॉस द कंट्री. In the past 31 years, INTAC has pioneered the conservation and preservation of not just our natural and belt heritage but intangible heritage as well. तो ये preserve करती है, conserve करती है हमारे natural heritage को. उसके बाद built जो बनी हुई कुछ architecture form में heritage है उसको और intangible heritage को भी protect करने का काम करती है. Headquarter इसका New Delhi में है. It operates through various divisions such as architectural heritage, natural heritage, material heritage, intangible heritage and heritage education and communication services. In 2007 United Nations awarded INTAC a special consultative status with United Nations Economic and Social Council.
उसके बाद नेक्स्ट है उर्दू लैंग्वेज. उर्दू के बारे में ये नहीं उसी के रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी हैड प्रपोज्ड टू मर्ज डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज विद स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस विच लेड टू द क्रिटिसिज्म दैट उर्दू इज एन इंडियन लैंग्वेज. तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रपोज किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज है उसको मर्ज किया जाएगा विद स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, जिसकी वजह से काफी इस मूव को क्रिटिसाइज किया गया ये बोल के कि जो उर्दू है वो एक इंडियन लैंग्वेज है. तो उर्दू इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर 8th शेड्यूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज अमंग द 15 इंडियन लैंग्वेजेस रिटन ऑन द इंडियन करेंसी नोट्स. इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन स्टेट्स लाइक कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल. अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, द उर्दू लैंग्वेज ओरिजिनेटेड एंड इवॉल्व्ड इन इंडिया फ्रॉम 6th टू 13th सेंचुरी एडी. All the historical references indicate that origin of Urdu had taken place in Punjab state of India. Main dialects of Urdu are Dehlavi, Rekhta, etc. After its origin in Punjab, Urdu got developed and flourished in Delhi along with parts of Haryana state and some states in south where it was developed in the form of a Dakhni or Deccani language. Uske baad hai next थिरुवालुवर. सो थिरुवालुवर ये भी न्यूज में थे. थिरुवालुवर कौन है, इनसे रिलेटेड जो कॉन्ट्रोवर्सी या जो भी न्यूज थी वो ये थी कि रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी किक्ड अप इन तमिलनाडु आफ्टर द इमेज ऑफ थिरुवालुवर इन सैफ्रन कलर्ड अटायर वाज ट्वीटेड. तो ये न्यूज है किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने जो थिरुवालुवर थे जो कि काफी ज्यादा फेमस थे, सेंट थे, पोएट थे, तो उनकी जो इमेज थी, जो उनकी आइडल थी उसको जो है सैफ्रन कलर के अटायर से उसको ढका गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई. सो थिरुवालुवर कॉमनली नोन एज वालुवर वॉज अ तमिल सेंट. तो वो तमिल सेंट थे, पोएट थे एंड अ फिलोसोफर. He is usually shown with a white shawl in the images. Images में वो white shawl ओढ़े हुए दिखाए जाते हैं. So details about the Thiruvalluvar's real name, date and place of birth, religious affiliation and family background are not available. तो इनके बारे में ज्यादा details जो है, इनकी family, date of birth वगैरह, place of birth, इनके बारे में ज्यादा details available है नहीं. Many researchers put his birth date between 1st सेंचुरी BC एंड 2nd सेंचुरी AD. इसके बीच में हो सकता है कहीं पे कभी उनका जन्म हुआ हो, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी इनके बारे में पता नहीं है. सो थिरुवालुवर्स मॉरल फिलोसफी इज एंथ्रोपोसेंट्रिक सिंस इट फोकसेस ऑन लाइफ ऑन दिस अर्थ रादर देन एस्पायरिंग फॉर हेवनली अबोर्ड. Moreover, he opposed absolutizing and idealizing the problems and making them otherworldly affair. He boldly advocated a life of discipline, self-control, chastity, non-violence, temperance and devotion. He is best known as the author of the Thirukural. Thirukural जो है इसके best जो कहा जाता है, इनके जो है author है थिरुवालुवर ने थिरुकुरल को लिखा था, इनके ऑथर है. सो जो कि थिरु जो है थिरुकुरल है क्या, एक कलेक्शन है 1330 कॉम्प्लेक्स ऑन द एथिक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स एंड लव. इन थिरुकुरल थ्रू द फ्रेज आदि भगवान थिरुवालुवर असर्टेड दैट द ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट गॉड वॉज यूनिवर्सल. सो इनका जो इन्होंने जिनके ऑथर जो इन्होंने लिखा है काम थिरुकुरल, ये है क्या थिरुकुरल जो है, इसको सबसे पहले तो ये है कि तमिल में लिखा गया है. इट इज एंशियंट ट्रीटाइज ऑन कोड ऑफ एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज. इट इज अ मॉरल कंपेंडियम विच हैज बीन क्लासिफाइड अंडर 3 मेजर हेडिंग्स. तो इसके जो ये एक मॉरल कंपेंडियम है जो कि जिसको क्लासिफाई किया गया है 3 मेजर हेडिंग्स के अंडर. एक है आराम, राइटियसनेस, पोरुल जो है वो वेल्थ है, इबाम जो है वो इंजॉयमेंट है. द आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दीज टाइटल्स इज दैट वन मस्ट अर्न वेल्थ थ्रू राइटियस मीन्स एंड इंजॉयमेंट बिकम्स इमिनेंट थ्रू दैट विच लीड्स टू इनलाइटनमेंट. दिस व्यू इज सिमिलर टू द संस्कृत ट्रेडिशन. जैसे कि नॉर्मली हम संस्कृत ट्रेडिशन में पढ़ते हैं ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसी तरह से इनका जो टेक्स्ट था मॉरल्स जो है कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर था जो था वो भी उसमें भी है, इसी ऐसी ही बातों को डिस्कस किया गया है. लेकिन उसकी 3 मेन डिविजन है. एक है आराम जिसका मतलब है राइटियसनेस, पोरुल का मतलब है वेल्थ और इबाम का मतलब है इंजॉयमेंट. सो आउट ऑफ द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि पुरुषार्थ था जो है उसमें जो है
out of the four aspects of life, Aram, Porul, Inbam and Vidu, jo hai, Thirukkural addresses only the first three and advocates the path to Vidu through the other through the others, and hence it is called Mupal three elements. It attempts to provide guidelines, the guidelines for the individuals in the country, that is the ascetic, the family members, etc., who are responsible for themselves and to others. So, इसमें याद क्या रखना है? एक तो है थ्रू वलुवर, जो कि एक personality है, तमिल के saint है, poet है, poet थे पहले, तो इन्होंने एक treatise लिखा थिरुकुरल, जो कि code of conduct के ऊपर है, बस code of ethics वगैरह के ऊपर है, जिसके तीन मेन डिवीजन है, अराम, पोरुल और इबाम। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेदांता देसिकन। वेदांता देसिकन न्यूज में क्यों थे? रिसेंटली क्या हुआ है, पोस्टेज स्टैम्प वाज लॉन्च टू कमेमोरेट द 750th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री वेदांता देसिकन। तो वो थे कौन? ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रिसेप्टर्स इन श्री वैष्णव ट्रेडिशन। ही वाज अ मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी, celebrated as a sarvatantra svatantra or master of all arts and crafts, and awarded the title kavi tarkika kesari। to unko ye award diya gaya tha, ye wala title diya gaya tha। uske baad unki philosophy kya thi? shri vaishnav philosophy got a much wider audience with vedanta desikan's writings and preachings। one of the essential features of his philosophy was the aspect of inclusion। to inki jo फिलोसफी थी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट इसेंशियल जो फीचर थी वो ये थी कि इंक्लूजन की बात ये करते थे, दैट इज एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कुड जॉइन द श्री वैष्णव फोल्ड, ऑब्लिटरेटिंग कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड थस मेकिंग इट अ ट्रूली डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ही इल्यूमिनेटेड द पाथ्स ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन, ऑफ सेल्फलेस लव एंड अफेक्शन फॉर ह्यूमैनिटी एंड अ टोटल सबमर्जेंस इन डिवाइन एम्बियंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टैचू ऑफ रंजीत सिंह, हु रूल्ड पंजाब फॉर ऑलमोस्ट फोर डेकेड्स, वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन लाहौर। तो रंजीत सिंह की अगर हम बात करें, ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाइन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब, बिकॉज ही स्टेम्ड द टाइड ऑफ अफगान इन्वेडर्स इन लाहौर विच रिमेन्ड हिज कैपिटल अंटिल हिज डेथ। ड्यूरिंग हिज रिजाइम पंजाब वॉज लैंड ऑफ सिक्स रिवर्स, द सिक्स्थ बीइंग द इंडस रिवर। द महाराजा वॉज नोन फॉर हिज जस्ट एंड सेक्युलर रूल, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर गिवन पावरफुल पोजीशंस इन हिज दरबार। ही टर्न्ड हरमंदर साहिब एट अमृतसर इनटू गोल्डन टेंपल बाय कवरिंग इट विद द गोल्ड। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द 10th एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय संस्कृति महाउत्सव अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव इन एमपी फ्रॉम 14th टू 21st अक्टूबर 2019। सो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम है, ये स्कीम कब की है? स्कीम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 31st अक्टूबर 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया था, टू प्रमोट एंगेजमेंट अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज so as to enhance mutual understanding and bonding between the people of the diverse cultures, thereby securing stronger unity and integrity of India। तो एक बार श्रेष्ठ भारत स्कीम जो है ये 2016 की स्कीम है, इसको इसलिए लाया गया था ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं उनमें आपस में कोऑपरेशन बढ़ सके। तो इस स्कीम के अंडर अभी क्या हुआ है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो था वो शुरू किया गया था। शुरू कब किया गया था? ये जो है इसके अंडर नहीं शुरू किया गया था, ये पहले भी हुआ था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, लेकिन ये एक बार श्रेष्ठ भारत के अंडर इसको अभी सेलिब्रेट किया गया है। सो बीइंग द फ्लैगशिप एंड प्रीमियर फेस्टिवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वॉज कंसीव्ड इन द ईयर 2015। तो इसको पहले सेलिब्रेट फर्स्ट टाइम किया गया था 2015 में, एंड आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ इट्स फर्स्ट राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इन नवम्बर 2015, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज इट विद एन इंटेंट टू शोकेस द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री इन ऑल इट्स रिच एंड वेरिड डायमेंशंस, हैंडीक्राफ्ट्स, कुजीन, पेंटिंग्स, कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, फोक, ट्राइबल, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी ऑल इन वन प्लेस। तो ये है पहले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में। उसको उसके बाद जो है अभी 2019 में जो इसको सेलिब्रेट किया गया, ये इसका 10th एडिशन था, 10th एडिशन, और इसको एमपी में सेलिब्रेट किया गया था।
The Rashtriya Sanskriti Mahotsav will cover a profusion of folk art forms from 22 states, and it would offer the chance to experience the best in established and emerging virtuosity. So the Rashtriya Sanskriti Mahotsav will reconnect the people, especially the youth, with their indigenous culture, its multifaceted nature, magnificence, उसके बाद है opulence and historical importance in the context of India as a nation over the millennia. तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इसको first time 2015 में celebrate किया गया था, 2019 में इसका 10th edition को celebrate किया गया जो कि MP में किया गया था. उसके बाद next recently the pink city Jaipur got UNESCO world heritage status. तो world UNESCO जो है एक organisation United Nations के under है, United Nations की agency है UNESCO, जो कि पूरे world में countries में जो heritage sites हैं उनको status देती है world heritage status. तो अभी क्या हुआ है कि India की Jaipur जो city है पूरी की पूरी city को world heritage status UNESCO ने दिया है 2017 में. इससे पहले जो ओल्ड अहमदाबाद है उसको भी, वो इंडिया का फर्स्ट सिटी थी जिसको हेरिटेज सिटी का टैग मिला था. उसके बाद है विद जयपुर से इंक्लूजन द नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स अक्रॉस इंडिया दैट आर ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हैज ग्रोन टू 38. अभी क्या हुआ है कि जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट है उसमें अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग साइट्स हैं, अभी जयपुर को भी इंक्लूड कर लिया गया है. तो अभी इंडिया के 38 साइट्स जो हैं जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है, जिसमें 30 जो है वो कल्चरल साइट्स हैं और 7 जो है वो नेचुरल साइट्स हैं और 1 जो है वो मिक्स्ड साइट है. उसके बाद है इंडिया हैड प्रपोज्ड द नॉमिनेशन ऑफ जयपुर एज एन एक्सेप्शनल अर्बन एग्जाम्पल इन इंडिजीनियस सिटी प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन साउथ एशिया. द हिस्टोरिकल वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर एंड राजस्थान वॉज फाउंडेड इन 1727 AD अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सवाई जयसिंह टू. इट सर्व द कैपिटल सिटी ऑफ द कल्चरली रिच स्टेट ऑफ राजस्थान. जयपुर सिटी इज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ लेट मिडिएवल ट्रेड टाउन इन साउथ एशिया एंड डिफाइंड न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अ थ्राइविंग ट्रेड एंड कमर्शियल हब. In addition, the city is associated with the living traditions in the form of crafts that have national and international recognition. तो अभी क्या है कि जो जयपुर जो है पिंक सिटी है, जयपुर पिंक सिटी है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का टैग जो है स्टेटस इसको मिल चुका है. और अभी इसके साथ ही हमारे इंडिया में जितनी भी हेरिटेज साइट्स है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो 38 हो चुके हैं, जिसमें 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्सड है. उसके बाद नेक्स्ट है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क. तो यूनेस्को का एक क्रिएटिव सिटी नेटवर्क भी है जिसके अंडर अभी क्या हुआ है, इंडिया के 2 सिटीज को उसमें इंक्लूड किया गया है. तो अगर हम इसी के बारे में पहले पढ़ें कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ये है क्या. यूनेस्को ने शुरू किया था क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, कब शुरू किया था, 2004 में इसको शुरू किया था, टू प्रमोट कोऑपरेशन विद एंड अमंग सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. तो जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है ये 2004 में शुरू किया गया था ताकि जो सिटीज है आपस में जो है उनमें जो है कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, जहां पे जो है दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. अभी इसमें क्या है कि द 180 सिटीज विच करेंटली मेकअप दिस नेटवर्क वर्क टुगेदर. अभी इस नेटवर्क में 180 वर्ल्ड के सिटीज आ जाते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लेसिंग क्रिएटिविटी एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज एट द हार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट प्लान्स एट द लोकल लेवल एंड कोऑपरेटिंग एक्टिवली एट द इंटरनेशनल लेवल. बाय ज्वाइनिंग द नेटवर्क सिटीज कमिट टू शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग पार्टनरशिप्स इन्वॉल्विंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल एज सिविल सोसाइटी टू स्ट्रेंथन क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, गुड्स एंड सर्विसेस. तो इसमें नेटवर्क में जो ये नेटवर्क है ये कवर करता है सिटीज के क्रिएटिव फील्ड्स को. किन फील्ड्स को कवर करता है, जैसे कि क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म्स, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक. तो अभी जो इंडिया के 2 सिटीज हैं जिनको अनाउंस किया गया है इस नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है वो है मुंबई और हैदराबाद, दोनों हैं.
तो उसके बाद हैव बीन इंक्लूडेड अमंग अस द 66 सिटीज सिलेक्टेड इन इट्स नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे 2019. तो वर्ल्ड सिटीज डे 2019 जो था वहां पे 66 सिटीज को वर्ल्ड के जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से दो इंडिया की सिटीज है. मुंबई को किस कैटेगरी में लिया गया है? मुंबई हैज बीन डेजिग्नेटेड एज क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स एंड हैदराबाद एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी. तो ये भी आपने याद रखना है, मुंबई को फिल्म्स के लिए लिया गया है और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में. अर्लियर इससे पहले भी चेन्नई और वाराणसी को सिलेक्ट किया गया था यूनेस्को सिटीज ऑफ म्यूजिक के लिए, जो है चेन्नई और वाराणसी को म्यूजिक के लिए. जयपुर को किसके लिए किया गया था? जयपुर इज द सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2019 को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस. सो 2019 जो ईयर था वो रह चुका है एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस. तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी जो हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनियस लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, जो कि 840 है. और इंडिया का जो प्लेस है फोर्थ नंबर पे आता है, जिनके पास इंडिया में जो इंडिजिनियस लिविंग इंडिजिनियस लैंग्वेजेस वो कितनी है? 453 है. तो पापुआ न्यू गिनी की अगर लोकेशन की बात करें तो पैसिफिक जो है पैसिफिक ओशन में इसकी लोकेशन है. सो अमंग रीजन्स एशिया एंड अफ्रीका अकाउंट फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस. अगर रीजन्स की अगर कि हम जो है कंट्रीज की बात की तो पापुआ न्यू गिनी में सबसे ज्यादा इंडिजिनियस लिविंग इंडिजिनियस लैंग्वेजेस है. इंडिया का प्लेस जो है वो फोर्थ नंबर पे इंडिया आता है. उसके बाद अगर रीजन की बात करें तो एशिया और अफ्रीका अकाउंट फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर. 228 languages have become extinct since 1950. So 1950 से अब तक की अगर बात करें तो 228 ऐसी languages हैं जो extinct हो चुकी हैं. 10% languages जो है वो उनको vulnerable declare किया गया है और 10% जो है वो critically endangered है. In India the 5 languages have become extinct since 1950. While 42 are critically endangered, central government is implementing the protection and preservation of endangered languages of the India for protection, preservation and documentation of all the mother tongues and languages of India which are spoken by less than 10,000 people. So, this is Indian government's initiative. Hai. Dialects are also covered under this program. It is being implemented by Mysore-based Central Institute of Indian Languages. नेक्स्ट है हमारा नेशनल पोर्टल एंड डिजिटल रिपोजिटरी. नेशनल पोर्टल एंड डिजिटल रिपोजिटरी फॉर इंडियन म्यूजियम इज डेवलप्ड. तो इसको डेवलप किसने किया है एंड होस्ट किया है? ह्यूमन सेंटर्स डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप सीडेक पुणे एज पर द एग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद है ह्यूमन सेंटर्स डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप बींग अ टेक्निकल एक्सपर्टाइज डेवलप्ड जतन. तो इसने जतन को डेवलप किया है. जतन है क्या? ये एक वर्चुअल म्यूजियम सॉफ्टवेयर है. विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल कलेक्शन इन द वेरियस म्यूजियम्स एंड डिजिटल आर्काइवल टूल्स दैट आर यूज इन बैकग्राउंड फॉर मैनेजिंग द नेशनल पोर्टल एंड डिजिटल रिपोजिटरी फॉर इंडियन म्यूजियम्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोबेल प्राइज के ऊपर. नोबेल प्राइज जो है इसमें लिटरेचर में किसको दिया गया? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर एंड नोबेल पीस प्राइज वर अवॉर्डेड रिसेंटली. सो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किसको दिया गया? अभी 2019 में जो अवार्ड दिया गया था वो 2019 के लिए भी दिया गया था और 2018 के लिए भी दिया गया था, क्योंकि 2018 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर नहीं दिया गया था. सो दो विनर हो गए. स्वीडिश अकेडमी अनाउंस टू विनर्स, वन फॉर 2019 एंड वन फॉर 2018 बिकॉज द प्राइज वॉज नॉट अवॉर्डेड लास्ट ईयर. सो ऑस्ट्रियन जो ऑथर है पीटर हंके हैज वन द 2019 नोबेल लिटरेचर प्राइज. सो 2019 के लिए तो पीटर हंके को मिला है. पीटर हंके वाज अवॉर्डेड फॉर एन इन्फ्लुएंशियल वर्क विद लिंग्विस्टिक इंजेन्यूटी हैज एक्सप्लोर द पेरिफेरी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. उसके बाद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अगर 2018 की बात करें तो किसको दिया गया? पॉलिश ऑथर ओल्गा तुकाजुक को दिया गया फॉर अ नरेटिव इमेजिनेशन दैट विद इनसाइक्लोपीडिक पैशन रिप्रेजेंट द क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्रीज एज अ फॉर्म ऑफ लाइफ. सो शी ऑल्सो वन द मैन बुकर प्राइज. तो इसको जो है पॉलिश ऑथर है इनको मैन बुकर प्राइज भी इससे पहले 2018 का मिल चुका है.
उसके बाद जो है नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया, 2019 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली फॉर हिज एफर्ट टू अचीव अ पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन पर्टिकुलर फॉर हिज डिसाइसिव इनिशिएटिव टू रिजॉल्व द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग एरिट्रिया। तो एथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने काफी टाइम से एथियोपिया और एरिट्रिया की लड़ाई चल रही थी आपस में, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया, पीस एस्टैब्लिश की, इसलिए उनको 2019 में पीस प्राइज मिला है। रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एथियोपिया एंड एरिट्रिया लॉन्ग टर्म फोर्स रिस्टोर्ड रिलेशंस इन जुलाई 2018 आफ्टर इयर्स ऑफ हॉस्टिलिटी। अबी अहमद अली साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद एरिट्रियन प्रेसिडेंट इसाइस ऑफ वर्की। They announced the resumption of trade, diplomatic and travel ties between their two countries and a new era of peace and friendship in war-bloodied Horn of Africa. A second agreement was signed between the two countries in September 2018 in Jeddah, Saudi Arabia. So, अगर location की बात करें तो यहाँ पे अफ्रीका का ये African continent है, इधर इधर जो है हमारा जैसे कि यहाँ सऊदी अरेबिया, यमन है, यहाँ बीच में रेड सी है, तो ये रेड सी है, तो यहाँ पे इथियोपिया है, उसके साथ ऊपर एरिट्रिया है, ऊपर इधर सुडान है, यहाँ पे जिबूटी है। सो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अभी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो कि इसको जो है 2019 में 100 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो इसकी 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। जून 20th मार्क्ड द 100th एनिवर्सरी ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइंड ऑन 28th जून 1919 between the Germany and allied powers that brought World War I to an end. तो अभी क्या हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई थी, 1914 में शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर, इसमें दो पार्टीज में एक जो एक साइड पे जो थे कंट्रीज वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड यूएसए, दूसरी साइड पे जो थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन एंड अलाइज थे वो जीत गए थे, जर्मनी वाले थे जो जर्मनी के साथ है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ये एक साइड पे थे, ये हार गए थे। तो इस वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी, वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो इसको जो है साइन किया गया था 1919 में, अभी 2019 में इसने 100 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी अगर ट्रीटी की बात करें, ट्रीटी वाज अ कंसीक्वेंस ऑफ 6 मंथ्स ऑफ अलाइड नेगोशिएशंस एट पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस इन 1919। द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी वर मेजरली डिसाइडेड बाय द ब्रिटेन अंडर डेविड लॉर्ड जॉर्ज। फ्रांस जो है इस ट्रीटी के मेन जो टर्म्स वगैरह प्रोविजन है डिस्कस किए थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए ने, बाकी रशिया और जर्मनी को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया था। और पूरा का पूरा जितना भी इल्जाम था वो जर्मनी के ऊपर लगाकर उसको बहुत ज्यादा पनिश किया गया था, उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली थी। तो हमारे जो है सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, हमने कवर कर लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, आज टॉपिक्स काफी कवर किए हैं लेकिन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है तो मैंने एक ही वीडियो में कवर करवा दिया, आपका काम भी आसान हो जाएगा। सो हमने पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में, फिर हमने पढ़ा था कुछ पर्सनालिटीज के बारे में, उसके बाद हमने कुछ थोड़े बहुत इधर उधर के जो टॉपिक्स है जैसे कि पर्सनैलिटी के बारे में, बाद में हमने यूनेस्को के इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज जो कि 2019 रहा, नेशनल पोर्टल एंड डिजिटल रिपोजिटरी, फिर नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ा, एट द एंड हमने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है उसके बारे में पढ़ा। तो आज हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो मई से नवम्बर तक के सीरीज है वो कम्प्लीट हो गए हैं, अभी जो है इसके दिसंबर से फिर शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और सीरीज शुरू करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।